To my channel and I hope you all are doing great and staying safe at home. So आज की वीडियो में मैं बहुत सारे अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई करने वाली हूँ जो मैंने नायका के समर डेज के सेल से मंगाए थे. सो सारे के सारे प्रोडक्ट्स अंडर 500 रुपीज़ के होंगे. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पीछे ये क्या है तो इट्स माई पेट, इट्स शी इज़ कॉटन. कॉटन से हाय. कॉटन से हाय. सो अभी वो सो रही है तो मैं उसे और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ और वो मेरे साथ ही बैठना चाहती है तो आई कांट हेल्प. वो आज यही बैठना चाहती हूँ तो मैंने भी कहा बैठ जाओ. सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट. सो सबसे पहले मैं अपना फेस मॉइस्चराइज करने वाली हूँ और उसके लिए मैं ये पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ करने वाली हूँ. ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है फॉर ड्राई स्किन पीपल टू. सो ये मॉइस्चराइज़र ऑल स्किन टाइप्स के लिए है बट आप अगर ऑयली स्किन के भी हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो. सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस अ लिटिल बिट ऑन माय फेस. मैं इसे बहुत ही थोड़ा यूज़ करती हूँ बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज़ लाइक रियली हाइड्रेटिंग ऑन योर स्किन. और ये प्रोडक्ट बहुत ही चिपचिपा नहीं है आपके फेस पे, ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में और इसका आफ्टर इफेक्ट भी बहुत ही ब्यूटीफुल है. आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट लगती है. उसके बाद प्राइमर के लिए मैं ये प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ. ये दिस इज़ द मेबेलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस प्राइमर. सो ये एक मैट प्राइमर है और ये कुछ इस तरह दिखता है. मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ही पसंद आई और ये एक क्रीम फॉर्मूला है लेकिन आपके स्किन पे ये बहुत ही अच्छा एक मैट एंड स्मूथ इफेक्ट देता है. सो मैं इसे बस अपने पाम में ब्लेंड कर लूँगी और अपने नोज़ एरिया में सबसे पहले अप्लाई करूँगी. और आप देख सकते हैं ये एरिया थोड़ा मैट दिखने लगा है. तो अभी मैं और थोड़ा प्रोडक्ट लेके इसे अपने पाम में ब्लेंड करके यहाँ पे लगाऊंगी ऑन द सेंटर पार्ट ऑफ माय फेस. तो आपने देखा ये बहुत ही मैट फिनिश देता है आपके फेस को बट ये बहुत ही ड्राई आउट नहीं करता आपकी स्किन को. नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं एक हाइलाइटिंग प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ और आई एम गोइंग टू यूज़ फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी और इसका नाम है रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर. ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है और उनका एक्चुअल प्रोडक्ट है ये ग्लास बॉटल में आता है. मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ही हाई एंड पैकेजिंग लगती है और जो एक्चुअल प्रोडक्ट है इस बॉटल में वो बहुत ही बढ़िया है. मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये बहुत ही अफोर्डेबल है और ये मैक के स्ट्रोब क्रीम के बराबर काम करता है तो इसलिए मैंने ये परचेज किया है. और आप देख सकते हैं ये एक पम्प के साथ आता है. सो मैं इसे बस थोड़ा सा लूँगी अपने फिंगर टिप पे और जैसे मैंने वो मैट प्राइमर अपने सेंटर पार्ट में लगाया था मैं इसे अपने फेस के आउटर पेरीमीटर्स पे लगाऊंगी ताकि ये मुझे एक बहुत ही बढ़िया ग्लो दे अपने स्किन पे. और मुझे अपना मेकअप लुक बहुत ही मैट नहीं करना है और इसलिए मैं ये अप्लाई कर रही हूँ. और आप देख सकते हैं इसने मेरे फेस पे बहुत ही बढ़िया ग्लो दिया है. और उसके बाद फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये फाउंडेशन. ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा बिकॉज दिस इज़ अंडर रुपीज़ 400 आई गेस और ये लैकमे की तरफ से है एंड दिस इज़ देयर 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन. सो ये एक मैट फाउंडेशन है बट आपके फेस को ये बहुत ही मैट भी नहीं करता, ये ड्यूवी फिनिश भी देता है आपके फेस पे. और प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका कवरेज बहुत ही बढ़िया है और इसका फिनिश भी बहुत ही लाजवाब है. इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह आती है और ये एक स्पैचुला के साथ आता है, ये आप देख सकते हैं.
ये फाउंडेशन का जो पैकेजिंग है वो एक फ्रॉस्टेड ग्लास बॉटल में है, और मेरा शेड जो है वो है N360 न्यूट्रल चेस्टनट, और ये मेरे स्किन टोन से एग्जैक्टली मैच करता है। सो मैं इसे इस स्पैचुला के हेल्प से अपने स्किन पे ऐसे अप्लाई करने वाली हूँ, और मुझे फाउंडेशन बहुत ही फेक दिखाना नहीं पसंद, मुझे बहुत ही नेचुरल फिनिश पसंद है अपने फेस पे। सो मैं बस थोड़ा सा ही लगाऊंगी, और इसे ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ पैक 247 ब्रश। ये एक फाउंडेशन ब्रश है और ये एक स्लांटेड कबूकी ब्रश है। सो इससे आपका फाउंडेशन बहुत ही बढ़िया ब्लेंड होता है और आपको एक वेरी ब्यूटीफुल इवन फिनिश मिलता है आपके फेस पे। सो अभी मैं बस ये फाउंडेशन ब्लेंड करने वाली हूँ, और तभी आप देख सकते हैं ये ब्रश बहुत ही बढ़िया काम करता है, और जैसे जैसे मैं फाउंडेशन ब्लेंड करती जाऊँगी आपको इसका फिनिश और कवरेज बहुत ही पसंद आएगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने ये फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया है, और आप इसका फिनिश देखिए। मैंने वो स्पैचुला दोबारा अपने फाउंडेशन में डिप नहीं किया था, जो भी प्रोडक्ट उस स्पैचुला पे लगा था मैंने वही यूज़ किया था, और आप इसका फिनिश देखिए और कवरेज देखिए। ये एक ब्यूटीफुल ड्यूवी फिनिश देता है और इसका कवरेज बहुत ही बढ़िया है। आप इसको डेफिनेटली बिल्ड कर सकते हैं, बट मेरे लाइकिंग के हिसाब से ये फिनिश बहुत ही परफेक्ट है, नॉट टू मच नॉट टू लेस, दिस लुक्स परफेक्ट। उसके बाद कंसीलर के लिए मैंने ये तीन कंसीलर्स ऑर्डर किए थे। तो पहला है ये है एक पेन कंसीलर फ्रॉम स्विस ब्यूटी, दिस इज द HD कंसीलर पेन, और मैंने मंगाया था ये 06 शेड में, विच इज़ कॉल्ड एज डेजर्ट स्वेड। नेक्स्ट मैंने ये एल्फ का कंसीलर मंगाया था, और मैं ये पहले ही अपने वीडियो में यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे ये काफ़ी पसंद आया। लास्ट मैंने ये स्टार कॉस्मेटिक का कंसीलर मंगाया था, और दिस इज़ इन द शेड मीडियम। सो आई थिंक आज की वीडियो में मैं ये यूज़ करने वाली हूँ, और इस कंसीलर को ब्लेंड आउट करने के लिए मैं ये एक पैक का 073 ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। सो मैंने इसको अपने कंसीलर पॉट में बस डिप किया और अपने आईज के अंडर अप्लाई करने वाली हूँ। तो ये काफ़ी थिक कंसीलर है, और मुझे इसका कवरेज बहुत पसंद आया। आप देख सकते हैं इसका कवरेज फुल कवरेज है, थोड़ा सा मेरे स्किन टोन के लिए लाइट है, बट हाईलाइटिंग के लिए ये परफेक्ट शेड है, बिकॉज आफ्टर ब्रॉन्जिंग एंड ब्लश ये थोड़ा सा डिम हो जाएगा। सो आई एम रियली लाइकिंग द कवरेज एंड द फिनिश एज वेल, और प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगी ये कंसीलर बहुत ही अच्छा है, बिकॉज ये मैंने सिर्फ 163 रुपीज़ में ऑर्डर किया था। सो या दैट्स दैट। नेक्स्ट अब मेरा फेस सेट करने के लिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करने वाली हूँ, और ये है नायका का ऑल डे मैट कॉम्पैक्ट पाउडर, और मैंने ये 05 ऑलिव शेड में ऑर्डर किया है, और मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया लगी। ये वाइट एंड बेज कलर की पैकेजिंग बहुत ही सुंदर और फ्रेश दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, और ये एक पफ के साथ आता है, बट मैं वो नहीं यूज़ करने वाली हूँ। और इस कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ करने के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का P60 पाउडर ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। सो मैं इसे बस अपने कॉम्पैक्ट में डिप करके पहले कंसीलर सेट करूँगी और फिर द रेस्ट ऑफ माय फेस। सो अभी बाकी का फेस मेकअप करने से पहले मैं क्विकली मेरे ब्राउज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं ये लैक्मे का 3D ब्राउ पेंसिल यूज़ करने वाली हूँ, और ये मैंने ग्रेफाइट शेड में ऑर्डर किया है, और ये मेरे आईब्रोज के लिए एक परफेक्ट शेड है, और मुझे ये पेंसिल बहुत पसंद आई। सबसे पहले ये पैकेजिंग मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी, ब्लैक एंड गोल्डन लुक्स रियली गॉर्जियस, और जो एक्चुअल पेंसिल है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्रीमी है, पिगमेंटेड है, आपके ब्राउज को बहुत ही अच्छा नेचुरल इफेक्ट देती है, और ये एक स्पूली के साथ आती है जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, बिकॉज आप इससे अपने ब्राउज कॉम कर सकते हो, एक्सेस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। सो मैं अभी बस इसे यूज़ करके अपने ब्राउज फिल कर लेती हूँ।
उसके बाद अपने फेस को थोड़ा सा डेफिनेशन और वार्म्थ देने के लिए मैं एक ब्रॉन्जर यूज़ करने वाली हूँ, और ये एक बहुत ही अफोर्डेबल ब्रॉन्जर है। मैंने आई थिंक ये डिस्काउंट में ऑर्डर किया था, तो ये मुझे 400 में पड़ा था, और दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड एल्फ कॉस्मेटिक, और इसका शेड है कॉन्स्टेंटली ब्रॉन्ज, और ये मेरे स्किन टोन के लिए बहुत ही परफेक्ट शेड है। तो आप देख सकते हैं इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे फेस को ब्रॉन्ज किया है, और शेड बहुत ही लाजवाब है, और ये एक मैट ब्रॉन्जर है। मुझे शिमरी ब्रॉन्जर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मैट ब्रॉन्जर ही पसंद है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया डील थी। सो ब्लश के लिए आज मैं ये ब्लश यूज़ करने वाली हूँ, ये है मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश, और ये ब्लश है उनका ब्लश रीलोडेड बेक्ड पीच ब्लश, तो इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ, और ये एक बहुत ही बढ़िया मैट ब्लश है, आप देख सकते हैं, और मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया लगी। सो मैं इसे अपने ब्लश ब्रश से अप्लाई करने वाली हूँ, और ये ब्लश ब्रश है फ्रॉम प्रो आटे, दिस इज द PF 12 ब्रश। सो मैं इस ब्रश को इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे टैप टैप करूँगी, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही पिगमेंटेड ब्लश है। तो आप देख सकते हैं ये पीच शेड बहुत ही सुंदर लग रहा है, और सेम उनके ब्लश की तरह उनका हाइलाइटर भी आता है, तो दिस इज़ देयर मेकअप रेवोल्यूशन हाइलाइट रीलोडेड, और इसका शेड है डेयर टू रेवोल्यूश, तो ये बहुत ही सुंदर हाइलाइटर है। मैंने इसे एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, और मुझे बहुत ही पिगमेंटेड और बहुत ही ब्लाइंडिंग हाइलाइटर लगता है ये। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, इसकी पैकेजिंग सेम है उसी ब्लश की तरह, और इसे अप्लाई करने के लिए मैं ये एक पैक का 094 ब्रश यूज़ करने वाली हूँ, ये एक परफेक्ट हाइलाइटिंग ब्रश है। तो आप देख सकते हैं ये हाइलाइटर बहुत ही पिगमेंटेड हाइलाइटर है, बट ये एक बहुत ही ग्लास और वेट इफेक्ट देता है आपके स्किन के ऊपर, ये एकदम शिमरी एंड चौकी बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही स्मूथ है आपके स्किन के ऊपर। सो या दैट्स दैट। अभी मैं अपने आईज़ करने वाली हूँ, और उसके लिए मैं बहुत कुछ नहीं करने वाली हूँ आज, अपना जो ब्रॉन्जर है उसे थोड़ा सा लेके अपने आईज़ को थोड़ा सा वार्म्थ देने वाली हूँ, थोड़ा सा एक ट्रांजिशन शेड देने वाली हूँ, ताकि वो जो मेरे आईलिड्स है वो ब्लैंक ना लगे। नेक्स्ट मैं एक आईलाइनर यूज़ करने वाली हूँ, और वो है ये, ये है एक लैक्मे का नया लॉन्च, दिस इज़ द लैक्मे आइकॉनिक आईलाइनर। सो आप जानते हैं लैक्मे के लाइनर्स बहुत ही बढ़िया होते हैं, और ये एक न्यू लॉन्च है, और ये एक मैट और ट्रांसफर प्रूफ और वाटर प्रूफ आईलाइनर है। मुझे इसकी टिप बहुत ही अच्छी लगी, बिकॉज ये बहुत ही प्रिसाइज आईलाइनर है, और आप इसके मदद से विंग आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट मैंने कोई नया मस्कारा नहीं ऑर्डर किया था, तो मैं बस अपना मेबलिन का मस्कारा यूज़ करने वाली हूँ। तो ये है मेबलिन का द फॉसिस पुशअप ड्रामा मस्कारा, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट मस्कारा है, मुझे ये बहुत पसंद है, इसका वॉन्ट बहुत ही बढ़िया है, और आपके लोअर लैशेस के लिए भी ये वॉन्ट परफेक्ट है। तो अभी फ़िलहाल अपने आईज़ एकदम डन है, बट मैं थोड़ा सा हाइलाइटर जो है वो एक प्रिसाइज ब्रश के ऊपर लेके अपने इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन पे लगाने वाली हूँ। तो
अभी बारी आती है लिपस्टिक की, और हाल ही में मैंने दो वीडियोस लिप स्वाचेस की अपलोड किए हैं। एक है स्विस ब्यूटी के लिप क्रेयॉन्स और दूसरा है मिस क्लेयर के लिक्विड लिपस्टिक। तो आज मैं वो उन दोनों में से कोई भी लिपस्टिक नहीं अप्लाई करने वाली हूँ, तो आज की वीडियो में मैं ये लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ। ये है फ्रॉम द ब्रांड मेकअप रेवोल्यूशन, बट मुझे ये नायका की तरफ से फ्री मिली थी जब मैंने मेकअप रेवोल्यूशन के कुछ प्रोडक्ट्स बाय किए थे। सो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया ऑरेंजी रेड शेड है और ये मेरे आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छा जा रहा है, तो मैं बस यही आज यूज़ करने वाली हूँ। और इसका फॉर्मूला काफ़ी कंफर्टेबल है लिप्स पे और इसका फिनिश मैट फिनिश है। यूँ तो मुझे कभी नायका की तरफ से फ्री आई हुई लिपस्टिक पसंद नहीं आई, बट दिस इज़ लाइक अ गुड वन। सो मैंने ऑफ कैमरा जाके ये लैशेस अप्लाई कर लिए हैं और मैंने एक छोटी सी रेड बिंदी लगा ली है। तो इन लैशेस का नाम है रेनी लैशेस। ये बहुत ही अफोर्डेबल लैशेस अवेलेबल है नायका के ऊपर और ये है बाय आशिका गुरारिया द एक्ट्रेस, और इनके लैशेस मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही लाइट वेट है और उनके जो लैशेस है वो 3D और हैंडमेड लैशेस है और दे आर एब्सोल्युटली क्रुएल्टी फ्री। और अभी जो मैंने ये स्टाइल यूज़ किया है उसका नाम है मी मिया फॉल बैक। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैंने ये वीडियो एक मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए नहीं किया था, मैंने बस कुछ अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स आपको दिखाने के लिए ये वीडियो किया था। और अगर आप चाहते हो कि मैं हिंदी में और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो बाय कमेंटिंग डाउन बिलो। और या तो मैं आपको मिलती हूँ अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।